हेलो दोस्तों, अगर आप शेयर चैट पर एक क्रिएटर है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप शेयर चैट एप्लीकेशन में पोस्ट या फिर वीडियोस क्रिएट करके अपलोड करते हो तो आप हो गए शेयर चैट के क्रिएटर। तो हाल ही में 2-3 दिन पहले शेयर चैट ने अपने क्रिएटर को व्हाट्सएप पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, उसके साथ ही यहाँ पर एक फॉर्म की लिंक अटैच की गई है। अब लिंक पर जैसे आप क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का यहाँ पर फॉर्म खुल के आता है, जिसमें आपको एक अलग अलग कुछ डिटेल शेयर करनी होगी। अब आप में से कई सारे क्रिएटर्स को पता नहीं चल रहा है यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिटेल्स हमसे मांगी गई है वो कैसे बना है। तो इससे रिलेटेड काफी सारे क्रिएटर्स की मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम्स आए, क्वेरीज आए कि भाई इस पर प्लीज वीडियो बनाओ ताकि हमें पता चल सके कि इस फॉर्म को कैसे बनाए और इसको बनने का फायदा क्या क्या है। स्पेशली मैं यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे इस भाई का, जिन्होंने मुझे सबसे पहले इंस्टाग्राम पर डीएम करके बताया कि भाई इस फॉर्म को कैसे बनाए, प्लीज इस पर वीडियो बनाओ। तो इस भाई का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो अगर आपका भी शेयर चैट ऐप से रिलेटेड ऐसे कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बता सकते हैं। मैं इस पर रिसर्च करके फुल वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। लिंक इस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे बना है, फिर आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को बनने का फायदा क्या है, शेयर चैट को हमारे डिटेल्स यहाँ पर लेकर आगे क्या क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही शेयर चैट ऐप और अन्य शॉर्ट वीडियो ऐप से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर साइड में स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर मैंने एक मैसेज शेयर चैट की तरफ से आने वाला यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर सिंपली हम फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म को ओपन कर लेना है। अब फॉर्म को ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्म आ चुका है। अब फॉर्म आ जाने के बाद सिंपली ऊपर आपको इंग्लिश भाषा सिलेक्ट ऑलरेडी की हुई है, तो आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना है। एरो पर क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग भाषाएं मिल जाती है, तो आपके अपने हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कर देनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पर हिंदी पर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये फॉर्म हमारे सामने हिंदी में आ गया। अब फॉर्म आ जाने के बाद यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है शेयर चैट क्रिएटर फीडबैक फॉर्म, मतलब कि ये है शेयर चैट का एक क्रिएटर का फीडबैक फॉर्म, आपका फीडबैक लेना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, सर्वेक्षण को पूरा करने में लगभग 3 मिनट का समय लगेगा, कृपया अपनी प्रतिक्रिया साधना साझा करें और हमें एक बेहतर तरीके से आपकी मदद करने में मदद करें। मतलब कि इस फॉर्म को बनने से क्रिएटर की यहाँ पर हमारी मदद हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, कृपया अपना शेयर चैट हैंडल शेयर करें, प्रोफाइल में दिख रहे एट द रेट के बाद का टैग्स लिखे, मतलब कि आपकी प्रोफाइल में जो यूजर नेम आपका है, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, एट द रेट के साइड में जो भी आपने अपना यूजर नेम रखा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा यूजर नेम गुजराती गुजराती अंडर स्लैश कॉमेडी अंडर स्लैश नंबर 1। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि आपको एट द रेट नहीं लिखना है, एट द रेट के साइड बाजू में जो आपका यूजर नेम है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने मैनेजर की सेवाओं से कितने संतुष्ट है, इसे 1 से 10 बीच कोई भी नंबर चुनकर बताएं। मतलब कि शेयर चैट पर आपको अपने मैनेजर दिए होंगे, तो वो मैनेजर को आप जब भी यहाँ पर अपना प्रॉब्लम शेयर करते हो तो वो आपको रिप्लाई करते हैं या फिर आपसे ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो आप यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर रैंक इनको दे सकते हो। अब एक नंबर का यहाँ पर मतलब है डिससेटिस्फाइड, मतलब कि आप यहाँ पर असंतुष्ट है अपने मैनेजर से। और उसके बाद यहाँ पर है 10 नंबर आप देते हो तो वेरी सेटिस्फाइड, मतलब कि आप पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उनकी सेवाएं यहाँ पर अच्छी है। तो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ 1, मतलब कि मेरे जो भी मैनेजर है वो यहाँ पर मुझे कभी भी रिप्लाई नहीं करते, मैसेज का जवाब नहीं देते। तो आपको यहाँ पर अगर आपका मैनेजर ठीक से रिप्लाई नहीं करता तो 1 लिख देना है, सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपका मैनेजर अच्छा है, आपको बात बात पर यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन आता है उसकी हेल्प करता है, तो यहाँ पर 10 नंबर पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शेयर चैट पर ट्रेंड्स और चैलेंज में भाग लेने के लिए आप कितनी उत्साहित रहते हैं? इसे 1 से 10 के बीच का नंबर चुनकर बताएं। अब शेयर चैट में जो भी नया कैंपेन आता है उसके लिए आप कितने उत्साहित रहते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पर कोई भी नया कैंपेन आता है तो उसमें बड़े बड़े प्राइजेस रखे जाते हैं और कई सारे हमारे क्रिएटर्स भी है जो जीत चुके हैं। मैं भी यहाँ पर हजारों के वाउचर जीत चुका हूँ, साथ साथ मुझे रिंग लाइट भी मिल गई है। तो मैं बहुत यहाँ पर खुश और उत्साहित रहता हूँ नए नए कैंपेन के लिए रिलेटेड। अगर मुझे शेयर चैट पर यहाँ पर मिल गई है रिंग लाइट, उसका वीडियो देखना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, चाहो जाकर देख सकते हो। तो मैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर मैं 10 रैंक दे देता हूँ। वेरी सेटिस्फाइड हूँ मैं यहाँ पर उत्साहित रहता हूँ। तो आपको अपने हिसाब से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लेना है। शेयर उसके बाद नेक्स्ट है, शेयर चैट द्वारा कैंपेन के बारे में बताए जाने के बाद उसे समझकर उस पर वीडियो बनाना कितना आसान होता है। मतलब कि शेयर चैट एप्लीकेशन में जो भी नया कैंपेन आता है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर चैट के ऑफिशियल अकाउंट में बताई जाते हैं। वो आपको कितनी समझ आती है, आपके लिए आसान रहती है या फिर हार्ड रहती है, वो आपको यहाँ पर बताना रहता है। तो मैं यहाँ पर रैंक देना चाहता हूँ 10। वेरी सेटिस्फाइड, मतलब कि मैं तो यहाँ पर शेयर चैट पर 3 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस है, सब कुछ पता रहता है कि कैसे क्या कुछ कैंपेन में भाग लेना है। और आपको भी यहाँ पर अगर नए क्रिएटर है कुछ भी पता नहीं रहता है तो आप सिंपली 4 या 5 नंबर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर 10 देता हूँ, आप 5 नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, औसतन 1 सप्ताह में आपके पास ऐप कैंपेन या अन्य चीज़ों से जुड़े कितने प्रश्न या समस्या होती है? इससे 1 से 10 के बीच का कोई नंबर चुने। तो जब भी नया कैंपेन आता है तो उससे रिलेटेड मेरे पास 3 से 4 क्वेश्चन तो रहते ही है। तो मैं यहाँ पर सिंपली 5 से कम प्रति सप्ताह कहता हूँ। आपका क्वेश्चन कितना रहता है कैंपेन से रिलेटेड, वो आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा रहता है तो प्रति सप्ताह 10 से अधिक कर सकते हैं। अगर 5 से 10 के बीच में आपके क्वेश्चन रहते हैं तो यहाँ पर बीच में सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर फर्स्ट में 5 से कम पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, आपके सवालों या समस्याओं पर मिले जवाबों से आप कितने संतुष्ट हैं? इसे 1 से 10 के बीच में एक नंबर चुनकर बताएं। मतलब कि शेयर चैट एप्लीकेशन में कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आपको सिंपली हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है, वो आपको यहाँ पर मैनेजर तुरंत यहाँ पर रिप्लाई करके बताते हैं। तो मैं यहाँ पर इस जवाब से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, वेरी सेटिस्फाइड पर क्लिक कर देता हूँ। आप अगर संतुष्ट है तो 10 नंबर दे दीजिए या फिर संतुष्ट नहीं है तो 1 नंबर दे दीजिए या फिर बीच में आप 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को शेयर चैट चलाने के लिए कहेंगे? इसे 1 से 10 10 के बीच कोई नंबर चुनकर बताएं। मतलब कि मैंने यहाँ पर शेयर चैट पर अच्छे अच्छे रिवॉर्ड जीते हैं और मैं यहाँ पर अपने कई फ्रेंड्स को भी शेयर चैट पर ला चुका हूँ, पर अभी के टाइम में शेयर चैट ऐप में जो रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम चल रहा था वो यहाँ पर बंद कर दिया, इसलिए मैं किसी भी अपने फ्रेंड को शेयर चैट पर मुफ्त में लाना तो नहीं चाहता। तो सिंपली मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं है। अगर आप अपने फ्रेंड को या फिर किसी परिवार को लाना चाहते हो तो यहाँ पर 10 पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप शेयर चैट ऐप की सुविधाओं से कितने संतुष्ट है? तो मैं यहाँ पर पूर्ण रूप से संतुष्ट तो नहीं हूँ, पर हाँ यहाँ पर 4 स्टार दे सकता हूँ, आप अपने हिसाब से स्टार दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको शेयर चैट ऐप पर एक फीचर जोड़ना हो तो आप क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ना चाहेंगे? तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक फीचर जोड़ना चाहता हूँ, वीडियो लाइव का फीचर। यहाँ पर शेयर चैट पर जैसे मौज एप्लीकेशन में वीडियो लाइव फीचर आता है वैसे भी यहाँ पर लाइव का फीचर आ जाए। अब चैट रूम में तो है लाइव फीचर पर यहाँ पर वीडियो लाइव फीचर नहीं है। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करना चाहता हूँ शेयर चैट टीम को कि जल्द से जल्द वीडियो लाइव फीचर आए, वहाँ पर हम लाइव जाए, गिफ्टिंग वगैरह मिले तो अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। आप किस फीचर को जोड़ना चाहते हो वो आपको हिसाब से लिख देना है, वरना मैंने जो लिखा है वो लिख देना है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई सलाह सुझाव या फीडबैक है तो कृपया उसे हमारे साथ शेयर करें। तो मैं यहाँ पर इनको सुझाव देना चाहता हूँ कि शेयर चैट पर दोबारा रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए ताकि हमें अर्निंग हो सके, अपने फ्रेंड को अगर रेफर करें तो अच्छे खासे अमाउंट मिल सके। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ रिस्टार्ट योर रेफर एंड अर्न प्रोग्राम। अगर आप भी चाहते हैं कि शेयर चैट पर रेफर एंड अर्न प्रोग्राम फिर से स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पर सिंपली इस तरह से लिख देना है और फिर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो कुछ इस तरह से डिटेल भरने के बाद आपका यहाँ पर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर लिखा गया है, धन्यवाद, योर रिस्पॉन्स वॉज
सबमिटेड। अब हम जानते हैं कि शेयर चैट पर यह फॉर्म भरने का फायदा क्या था। अब जो यहाँ पर शेयर चैट ने हमारे साथ एक मैसेज शेयर किया था, उसमें यहाँ पर बताया गया है, शेयर चैट में हम आपको अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर फीचर्स मिले, सुविधा मिले, इसके लिए शेयर चैट टीम यहाँ पर प्रयास करता है। हमारे पास अगले महीने के लिए कुछ रोमांचक नई सामग्री है, तो हमने यहाँ पर जो फॉर्म भरा उसमें बताया कि मुझे ये फीचर चाहिए, ये अपडेट चाहिए, तो वैसे वैसे शेयर चैट टीम अपने सारे क्रिएटर्स के पास यहाँ पर रिस्पॉन्स लेगा और उसके बाद यहाँ पर विचार करेगा कि इस फीचर को लाना चाहिए। अगर सब क्रिएटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम रहता है कि हाँ जो फीडबैक फॉर्म में यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन शेयर किए कि रेफरल प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए, तो ऐसा कोई यहाँ पर ऑप्शन रहता है तो फिर से स्टार्ट हो सकता है, तो हमारे के लिए बहुत यहाँ पर अच्छा ऑप्शन दिया है। उसके बाद इससे पहले हम आपके साथ अब तक की आपकी यात्रा के बारे में आपसे एक त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब कि शेयर चैट एप्लीकेशन में हमें जो मैनेजर मिला है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका फीडबैक हमारे साथ लिया, और कैंपेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं वो भी हमारे पास यहाँ पर रेटिंग लिया, तो सारा यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा हमारा सारे क्रिएटर्स का शेयर चैट का, तो वो डेटा जाएगा शेयर चैट टीम की यहाँ पर जो मेन हेड है उनके पास, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने का प्लानिंग करेंगे, जो भी यहाँ पर मैनेजर रिप्लाई नहीं करते उनको निकाल देंगे, उसके जगह नए मैनेजर भी आ सकते हैं। उसके बाद इस फीडबैक फॉर्म को भरे जिसमें आपका 3 मिनट से अधिक समय नहीं लगना चाहिए, इसमें आप भविष्य में आपकी बेहतर सेवा करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप शेयर चैट के क्रिएटर हैं तो ये फॉर्म भरना आपके लिए बहुत ही यहाँ पर फायदेमंद रहता है, क्योंकि शेयर चैट ऐप इस्तेमाल करने में यहाँ पर क्रिएटर हम जैसे क्रिएटर ही बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है और क्या प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इसके लिए यहाँ पर यह फॉर्म बनाया गया था कि शेयर चैट के ऊपर जो टीम के हेड है उनको पता चले कि क्रिएटर को कौन कौन के प्रॉब्लम सा यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, जो कि हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन कर सके। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस फॉर्म को भरने का पूरा यहाँ पर मैंने सिखा दिया है कैसे बनना है और आपको सही से सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ऐसे हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।